हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर्स 1 मई 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर्स वार्षिकांक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि यह करंट अफेयर्स का बुक एसपीडी एक ब्रांड है अपने आप में सभी एग्जाम के हेल्पफुल के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ पार्ट हम पिछला वीडियो में कर चुके। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम पिछला वीडियो में कौन क्या और कहाँ हम लोग कर चुके हैं, कौन क्या कहाँ हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवीनतम परिषद एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो होगा। वीडियो छोटा रखने का कारण है कि अगर मान कर चलिए नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखना है तो एक वीडियो रहेगा इसका, तो जाके प्लेलिस्ट चेक करके हम देख सकते हैं। अगर वीडियो लंबा रहेगा तो उसमें सभी एक ही मास्टर वीडियो, अगर मान कर चलिए मास्टर वीडियो बना दे तो उसमें टॉपिक खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्किप वीडियो को स्किप करके देखना होगा। तो इसीलिए अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वीडियो मास्टर वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे। चलिए, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद यह डाटा जो है सो 7 जुलाई 2021 का, 7 जुलाई 2021 से है। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री, यहाँ पर देखिए गृह मंत्री तो अमित शाह सभी लोग को पता होगा, प्रधानमंत्री भी पता होगा और रक्षा मंत्री भी, लेकिन सहकारिता मंत्री अगर कभी पूछ लिया जाए सहकारिता मंत्री गृह मंत्री की जगह तो भी अमित शाह होगा। उसके बाद है थोड़ा सा फॉन्ट जो है सो बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री दे दे तो भी अमित शाह होंगे। नेक्स्ट है सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एस जयशंकर। नेक्स्ट है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री या उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य उद्योग मंत्री या उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा या कौशल विकास या उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री या कोयला मंत्री या खनन मंत्री, ये सब प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, लघु मतलब होता है बड़ा। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, नारायण राणे। जहाज रानी या जलमार्ग आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह है इस्पात मंत्री। रेल मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। इनसे पहले कौन थे? तो पीयूष गोयल थे, लेकिन अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति पारस, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री है। नेक्स्ट है
जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है सो जल शक्ति मंत्री है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू जो है सो कानून एवं न्याय मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह जो है सो विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है। नेक्स्ट है रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री और रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री, पर्यावरण श्रम और वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री है। भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री। नेक्स्ट है डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है। तो एक एक लाइन पर फोकस डाल के पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एक एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, और यह बुक अपने आप में महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, हेल्पफुल है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री और स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रभाव, स्वतंत्र प्रभाव। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। विज्ञान प्रौद्योगिकी या विज्ञान पृथ्वी, विज्ञान प्रौद्योगिकी या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी या पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है राज्य मंत्री, नेक्स्ट है राज्य मंत्री। तो बंदरगाह जहाजरानी और पर्यटन और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो श्रीपद योशो नाइक, श्रीपद योशो नाइक जो है बंदरगाह जहाजरानी पर्यटन और जलमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट है इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो फग्गन सिंह कुलस्ते, फग्गन सिंह कुलस्ते जो है सो इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री। नेक्स्ट है जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल। इस्पात एवं ग्रामीण विकास, इस्पात एवं ग्रामीण विकास, मान लीजिए कोई सामान इस्पात का है जो कोई सामान दुकान से लाने जाना है, और या ग्रामीण में विकास हो रहा है तो अच्छा से ठीक ठाक से नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ठगाई हो रहा है, ठगन हो रहा है, ठग रहे हैं, दुकान से जाते हैं तो भी ठग रहे हैं उस इस्पात लाने, कोई भी प्रोडक्ट लाने, और ग्रामीण में जो काम करवा रहे हैं उनके द्वारा वो भी काम सही से नहीं हो रहा है, वो भी ठगा जा रहा है, तो ठग्गन सिंह यानी कि फग्गन सिंह ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार चौबे, अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले और खाद और पर्यावरण एवं वन मामले हैं। उपभोक्ता मामले खाद व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, अश्विनी कुमार चौबे। संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन या राजमार्ग के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जनरल वी के सिंह, जनरल वी के सिंह सड़क परिवहन नागरिक उड्डयन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय एवं भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो कृष्ण पाल, कृष्ण पाल विद्युत मंत्रालय एवं भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री है।
नेक्स्ट, रेल या कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? दानवे राव साहेब दादा राव, दानवे राव साहेब दादा राव। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो रामदास अठावले, रामदास अठावले जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट करते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले के, उपभोक्ता मामले एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति जो है सो उपभोक्ता मामले एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित और सभी बुक को कवर कराया जाता है, तो आपको सही समय पर बुक वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा। तो नेक्स्ट है, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? नित्यानंद राय, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं पंकज चौधरी, पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अनुप्रिया सिंह पटेल, अनुप्रिया सिंह पटेल जो है सो वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? एसपी सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है कौशल विकास या इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है? तो राजीव कुमार चंद्रशेखर, राजीव कुमार चंद्रशेखर जो है कौशल विकास या इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। नेक्स्ट करते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शोभा करंदलाजे, शोभा करंदलाजे जो हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भानु प्रताप सिंह वर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा जो हैं लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। वो उधर हम कैबिनेट पढ़ रहे थे और यहाँ जो है स्वराज्य मंत्री है। तो कपड़ा मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दर्शन विक्रम जरदोश, दर्शन विक्रम जरदोश जो है कपड़ा मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के मंत्री। विदेश एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? वी मुरलीधरन, वी मुरलीधरन विदेश एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है विदेश एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री तो मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी लेखी विदेश एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सोम प्रकाश, सोम प्रकाश जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है जनजातीय मामलों के मंत्रालय कौन है? तो रेणुका सिंह सरुखता, रेणुका सिंह सरुखता जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो रामेश्वरी तेली, रामेश्वरी तेली जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं रामेश्वर तेली। नेक्स्ट करते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय रामेश्वर तेली। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा को देख रेख किसके अंडर में है? तो अन्नपूर्णा देवी के अंडर में। सामाजिक न्याय और सहकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ए नारायण स्वामी, ए नारायण स्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री ए नारायण स्वामी। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है? तो कौशल किशोर, कौशल किशोर जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? अजय भट्ट, अजय भट्ट जो है रक्षा मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो वी एल वर्मा, वी एल वर्मा
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास एवं सहकारिता मामले के मंत्री हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अजय कुमार, अजय कुमार गृह मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट है संचार मंत्रालय के मंत्री देवू सिंह चौहान जो है संचार मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री भगवंत खूबा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला है पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो कपिल मुरेश्वर पाटिल जो है पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो प्रतिमा भौमिक जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुभाष सरकार जो है शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जो है सो वित्त मंत्रालय के मंत्री है। विदेश मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिवार मंत्रालय के मंत्री हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा घर में और फैमिली का पूरे व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो पावर रहेगा सभी के पास। अगर मान के चलिए शरीर का परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है किसी कारण में तो वो पावरहीन यानी कि शक्तिहीन लेस दिखता है यानी कि उसका कमजोरी हो जाता है तो उसके पास पावर नहीं बचता है। तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो स्वस्थ रहेंगे तो पावर में रहेंगे, ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है जनजातीय मामलों एवं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो विशेश्वर टुडू जो है जनजातीय मामलों एवं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट है महिला बाल विकास मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई जो है महिला बाल विकास एवं मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई है। महिला बाल विकास मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय कौन है? तो जॉन बारला जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एल मुरुगन जो है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं। डेयरी मतलब दूध, दूध का कारोबार। गृह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का देख रेख किसके अंडर में है? तो निशितिक प्रमाणिक इनका गृह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री है। और मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एल मुरुगन जो इसके देख रेख में मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। और तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित बुक है जो कवर कराया जाता है तो आपके सही समय पर सही वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वीडियो आप लोगों का लंबा चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं।